नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा बताने जा रही हूँ जो कि यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन के द्वारा घोषित की गई है। मैं बता दूँ, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये एग्जामिनेशन के थ्रू होगी और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो UPSC सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए घोषित की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो घोषणा है ये एग्जामिनेशन के द्वारा, इससे आपके कैंडिडेट्स को चयन की जाएगी और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे ये आपको वैकेंसी मिलेगी, आपको जो जॉब पोस्ट मिलेगी वो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। गाइज, आपको मैं बता दूँ, इसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और वो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया के द्वारा वो उसके अंडर आती है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप यहाँ नीचे देखोगे तो आपको अटैचमेंट के फॉर्म में तीन अटैचमेंट्स दिखेंगे, इंग्लिश रिजल्ट डिक्लेरेशन नोटिस, हिंदी रिजल्ट डिक्लेरेशन नोटिस एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सरकारी जॉब या फिर एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है जो डिपार्टमेंट अपने कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस के साथ बने रहना है या फिर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपको अब यहाँ से बता दूँ, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये है PDF फॉर्म में और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ ऐसी एक PDF मिलेगी, आप देख सकते हो, ये यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन के द्वारा घोषित की गई है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 18 अगस्त 2020। साथ में जो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2020। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको सिर्फ ऑनलाइन इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफलाइन है, पर जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई करना है। आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो, www.upscionline.nic.in। गाइस, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें टोटल 209 वैकेंसी निकाली गई है। ये काफ़ी अच्छा नंबर है, 209 वैकेंसी। और जो इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो ऑल इंडिया होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन होगी। साथ में इसमें आपके फिज़िकल टेस्ट भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि आपका रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। साथ में जो इस एप्लीकेशन के लिए जो डेट, जो एज लिमिट है वो है 20 से 25 साल वालों के लिए। मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ, ये सारे जो है, ये जो स्टेट्स और जो ये जो प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे आपको इनमें आपको आपका प्लेस मिल सकता है फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे BASF में 78 पोस्ट है, CRPF में 13, CISF में 69, ITBP में 27, SSB में 22। गाइस, आप यहाँ पे जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है वो किस बेसिस पे होने जा रहे हैं। ये देखो, आप 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस और लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आपको ये मेल के लिए इतना है, फीमेल के लिए इतना है, हर एक चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दी गई है। सो गाइस, अगर आप ऐसे नोटिफिकेशंस के लिए आप अगर बने रहना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई डाउट है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम को यहाँ से प्रेस करके हमारे कम्युनिटी फोरम तक आ सकते हो और यहाँ पे राइट टू रिप्लाई के सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज या फिर डाउट्स डाल सकते हो और आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, तो साथ में मैं ये डिस्क्रिप्शन है इस प्लेटफॉर्म का, वो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। और मैं बता दूँ, इसके लिए जो एग्जामिनेशन डेट, जो रिजल्ट डेट जो घोषणा की गई है वो है 4 जनवरी 2022। इस 4 जनवरी को इसकी रिजल्ट डेट भी डाल दी गई है और जो एग्ज़ाम डेट होगी वो है 20 दिसंबर 2021। तो गाइज, आपको पता है ये सारे डेट्स पहले से मेंशन कर दिए गए हैं, आप मिस नहीं कर सकते हो। और आप ज़रूर से ज़रूर इसके जो भी इसके लिए कैंडिडेट्स रेडी है वो इस फॉर्म फिल कर दें और लास्ट डेट के लिए ना छोड़ें। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। साथ में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड